आईफोन 6 इसे लॉन्च हुए 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को ये आज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खासकर इसके डिज़ाइन की वजह से। ये काफ़ी ज़्यादा पतला है फ़ोन, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा एक इन हैंड पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और लोगों को मानना है कि ये 2023 में लेना वर्थ इट है। तो मैं आज उसी की रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊँ, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं नहीं नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सो वेलकम बैक टेक्नो जायंट्स, कैसे आप सभी, होप करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी बॉडी फ्रेम के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। मैं आपको बताऊँ कि इसमें आपको एक हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी पुराना फ़ोन है। उस टाइम कंपनी जो थी पतले फ़ोन बना सकती थी हेडफोन जैक के साथ, लेकिन अब नहीं बना पाती। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको बता दूं सबसे ज्यादा पतला फोन एप्पल की ओर से आईफोन 6 ही था, तो आप सोच सकते हो इतने पतले फोन में ये हेडफोन जैक दे सकते, लेकिन नए में नहीं दे सकते, यू नो पतले फोन बनाने। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, का है। साथ ही में आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, साइड पे बटन्स मिल जाएंगे, म्यूट का बटन मिल जाएगा। बैक जो है पूरी एल्युमिनियम का फ्रेम है, आपको बैक पे ग्लास इस टाइम पे नहीं मिलता था, जो कि ठीक है, मुझे पसंद है विद एल्युमिनियम बैक की। और फ्रंट में ग्लास मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा फास्ट एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, आज की डेट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अच्छा, नेक्स्ट बात करें इसके डिस्प्ले की, इसमें आपको 4.7 IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसे आउटडोर यूज़ करने पे आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा, इसकी ब्राइटनेस आउटडोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप धूप वगैरह में इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। इसमें अगर आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है तो मैं नहीं बोलूंगा कि इसकी ओर जाओ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना डिस्प्ले है और काफ़ी छोटा भी डिस्प्ले है, और इसमें आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ इसमें स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं आते, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसमें मूवीज़ वगैरह देखने के लिए इस फ़ोन को परचेज करो, क्योंकि इसी फ़ोन के प्राइस में आपको कोई और एंड्रॉयड अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको iOS एक्सपीरियंस करना, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो 12.5.6 पे रन कर रहा है, साथ ही साथ इसमें A8 बायोनिक चिप है, 1 GB की रैम है, और काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आपको इसमें गेमिंग करनी है तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि इसमें लैग्स वगैरह फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी इजीली छोटी छोटी नॉर्मल गेम्स में भी देखने को मिलेंगे, तो बड़ी गेम्स तो आप भूल ही जाओ। इसमें मैक्सिमम गेम्स आप रन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए iOS 13 रिक्वायर्ड है, जो कि इस फोन में आपको नहीं मिलता। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बात कर लें इसके कैमरास की जल्दी से, तो आपको बता दूं इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एक ही कैमरा मिलता है, उस टाइम पे एक ही बेचारा कैमरा मिलता था, जिस पे 1080p 60fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा जो 1.2 मेगापिक्सल का है, जिस पे 720p 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं दोनों कैमरास की फोटो आपको दिखा रहा हूँ, कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रियर कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इस प्राइस पे, जो बाकी एंड्रॉइड्स जो नए एंड्रॉइड आते हैं वो भी शायद टाइप की फोटोज आपको क्लिक करके नहीं दे सकते। अच्छा, बात कर लें इसकी नेक्स्ट बैटरी की, तो इस पर 1810 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि ठीक है, डिसेंट है, बट इतने पुराने आईफोन में अगर आपको 100% बैटरी वाला मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ ऑब्वियसली चेंज बैटरी, क्योंकि इतने पुराने आईफोन की तो छोड़ो, आईफोन 10R 10S की भी आपको 100% नहीं मिल सकती। आपको पता ही होगी ये 4G फोन नहीं है। अच्छा, और इसका जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है वो है इसकी परफॉर्मेंस, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। इस प्राइस में आपको एंड्रॉइड मिलेंगे जो कि इससे अच्छा आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं, इसमें आपको गेमिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम होगी, मल्टीमीडिया भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते, इसमें आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें लैग्स हैं, बग्स आ चुके हैं, साथ ही साथ इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी बुरा है, और फ्रंट कैमरा अगर आपको सेल्फी वगैरह क्लिक करनी है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बात करें कि आपको ये 2023 में लेना चाहिए, मेरी मानो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको मिनिमम आईफोन लेना है तो आईफोन 10S से 10R से ऊपर ही जाना, क्योंकि आईफोन 10 भी आपको काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आईफोन 7, आईफोन 6S वर्सेस आईफोन 5S सभी के कंपैरिजंस डाले, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसमें बिल्कुल भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आने वाला iOS वगैरह। हाँ, बट अगर आपको नॉर्मल टेक्स्टिंग वगैरह की यूज़ करना है, आप ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करते और सेकेंडरी फ़ोन की तरह अगर इसे लेना चाहते हो तो आप इसकी ओर जा सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे अगर आप इसे प्राइमरी डिवाइस की तरह लेते हो तो मत लेना। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो ये आपको 6 से 9-10 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपन कंडीशन, और कंडीशन मेरे वाले फ़ोन की तो काफ़ी ज़्यादा पिटी हुई है, लेकिन आपके वाले की हो सकता है अच्छी, और बट अगर आपको इसे प्राइमरी की तरह लेना तो मत लेना। वीडियो इतनी सी थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।